सैनिकों द्वारा किया गया आजादी का चित्रण, प्रदेश भर में अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह को मिला बड़ा खिताब, देश के सबसे अच्छे कप्तान घोषित हुए प्रीतिंदर सिंह, द फर्म ऑफ इंडिया मैगजीन के सर्वे में मिला पहला स्थान। राजभवन के सामने महिला ने दिया बच्चे को जन्म, सड़क से गुजर रही महिलाओं ने कराया डिलीवरी, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का लिया संज्ञान। खरीफ उत्पादकता गोष्ठी और किसान मेला का हुआ आयोजन, सांसद आर के सिंह पटेल बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल, किसान को जानकारी देने पर दिया गया विशेष ध्यान। पुलिसकर्मी ने पुलिस लाइन से चोरी की कार, पुलिस लाइन से चोरी की थी सुमो कार, कुछ घंटे में पुलिस ने आरोपी समेत कार की बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला अरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। खबर आगरा से है जहां फेम इंडिया मैगजीन ने सकारात्मक कार्यों के लिए देश भर में 700 से अधिक पुलिस कप्तानों का सर्वे किया था, जिसमें से 200 ऐसे कप्तानों को चुना गया। इन 200 अफसरों में से 50 अफसर का चयन किया गया। ये 50 अफसर देश के टॉप ऐसे अफसर हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। इन अफसरों में आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह का प्रथम स्थान है। यह खिताब उन्हें कानपुर के SP रहने के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। पुलिस कमिश्नर को यह सम्मान मिलने के बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ गई, हर कोई उन्हें बधाई देने के लिए उनके दस्तक पहुंच रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधों की रोकथाम में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या से एक हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां रोदौली कोतवाली क्षेत्र के शारदा नहर की पटरी के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला। इस घटना की खबर मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना स्थल पर पहुंचे CEO रोदौली व SP ग्रामीण मामले की जांच कर रहे हैं। बागपत के निरोजपुर गुर्जर गांव में पंचायती भवन का राज्य मंत्री KP मालिक ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि धरती माता का आभूषण पेड़ होता है, सभी लोग पेड़ लगाएं वरना हम बड़े नुकसान की तरफ चले जाएंगे, ये सब हम कोरोना काल में देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अपने बुजुर्गों के संस्कारों पर चले, बुजुर्गों के संस्कारों पर ना चलना हमारी सबसे बड़ी लापरवाही है और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम सब बुजुर्गों द्वारा दी गई तहजीब का पतन ना होने दें। आजकल कंप्यूटर का युग है, पढ़ाई बेहतर हुई है, पढ़ाई के साथ अपने संस्कारों का पतन ना होने दें। आज पंचायत घर का उद्घाटन आदरणीय अपने प्रधान जी संदीप जी के माध्यम से और अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष सूरजपाल जी के माध्यम से मेरे सहयोग से हुआ, साथ ही साथ वृक्षारोपण भी हुआ। और इस अवसर पर मैंने जितने जन प्रतिनिधि के साथ साथ जितने आम जन यहाँ पर और बहनें अपनी हैं उनसे ये भी निवेदन किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य और कल को देखते हुए वृक्षारोपण करने का कार्य किए। धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भी कि उन्होंने इस वृक्षारोपण के अवसर पर एक विशेष चेतना पैदा की और हम सबको एक अलग ड्यूटी देकर इस प्रदेश में वृक्षारोपण का एक अच्छा कार्य करने का। चित्रकूट में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलित करते किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए और 1857 से 1947 तक की आजादी की शोर गाथा का चित्रण लेजर शो के माध्यम से किया गया, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग देशभक्ति में लीन हो गए। इस मौके पर सांसद ने भी देशभक्ति गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सांसद ने अमृत रथ यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया कि पूरा देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है, उसी कड़ी में रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर में अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के और उन्हें याद करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी हमें जो मिली है ये बड़े मुश्किलों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद हमारे उन तमाम महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा करके हमें आज़ादी दी है और इस आज़ादी का हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अमृत
महोत्सव के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया था और वो लगातार इस अमृत महोत्सव को मनाते, इस साल जो अमृत काल है हमारा उसके 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इसको अमृत काल के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश के लोगों को, उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और उन्होंने कोई अमृत सरोवर बना करके ही नहीं, बहुत सारे कार्यक्रमों को गाँव में हमारी जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आज 75वीं वर्षगांठ जब जनता की रक्षक पुलिस ही जब खुद चोरी करने लगे तो क्या कहना। कुछ ऐसा ही मामला एटा के कासगंज का है, जहां पुलिस लाइन में तैनात सिपाही कार चुराकर भाग निकला, लेकिन रास्ते में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, आज सुबह 8:30 बजे पुलिस लाइन से एक सरकारी वाहन टाटा सुमो गाड़ी चोरी की सूचना कोतवाली को प्राप्त हुई, जिस पर थाने पर चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर दिन में 3:30 बजे थाना जसराना क्षेत्र फिरोजाबाद से वाहन सहित अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि आकाश एका थाना का रहने वाला है और यहां पर कोतवाली क्षेत्र में किराए पर मकान लेकर एटा में रह रहा था। जानकारी ये भी हुई है कि ये 15 दिन से गैरहाजिरी चल रहा था, जो कि पुलिस का कांस्टेबल है और वर्तमान में यह सहावर थाना जनपद कासगंज में आरक्षी के पद पर तैनात है। इस संबंध में पुलिस द्वारा खबर कासगंज से है, जहां एक लोडर अनियंत्रित होकर चाय के होटल में घुस गया, जिससे सड़क किनारे चाय के होटल पर बैठे 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को CHC अमामपुर में भर्ती कराया, जिसके बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों को उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें, भीड़ ने चालक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। कासगंज शहर में ऑटो संचालकों ने 12 पत्थर मैदान में ऑटो खड़े कर पुलिस की कार्यशैली के विरोध में उतरे। ये प्रदर्शन ऑटो यूनियन के नेता अतुल चौहान के नेतृत्व में किया गया, जहां अतुल चौहान ने बताया कि ऑटो टेम्पो का परमिट है, इसके बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं भेजा जाता है। यातायात पुलिस द्वारा चालान काटकर जुर्माना वसूल रहे हैं, जबकि लगातार टैक्स दे रहे हैं। ऐसे में सभी ऑटो संचालक मजबूर होकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। नियम के अनुसार एक पॉइंट है, जैसे सेंटर पॉइंट होता है परमिट के अनुसार, आपका बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी इधर या उधर आप चलाएंगे वहाँ से, जबकि राजकोट से मौखिक रूप से बोल देते हैं कि आप राजकोट से चलाएंगे, और अंदर जाते हैं तो इनके सीज कर दिए जाएंगे या चालान कर दिए जाएंगे। एक एक ऑटो वाले कम से कम 50,000 के चालान हैं और ऑटो की कीमत 50,000 नहीं है। या तो उनके परमिट कैंसिल किए जाएँ या लिखित रूप से आदेश दिया जाए, तो उसके बाद में जो भी हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल कुमार के नेतृत्व में मोहनलालगंज कस्बे से बाइक तिरंगे की यात्रा निकाली गई। इस दौरान मोहनलालगंज से भाजपा विधायक कमलेश कुमार और भाजपा मंडल अध्यक्ष सुधांशु सिंह भी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। मोहनलालगंज गोपालखेड़ा से होते हुए ये तिरंगा यात्रा निगोहा, खुजौली, अन्य जगहों पर जाकर समाप्त हुई। वहीं विधायक अमरेश रावत ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को हर घर तिरंगा लगाना चाहिए। वहीं इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या मौजूद रही। प्रयागराज के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के द्वारा एक बच्चे को मारने का मामला सामने आया है। बता दें, जब बच्चे के घर वालों को इस बात की जानकारी मिली तो परिजन ने ACP मेंजा विमल किशोर मिश्रा और मेजा के इंस्पेक्टर से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मास्टर को थाने में बुलाकर पूछताछ की। वहीं इस घटना के बाद ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर के ऊपर कब कार्रवाई होगी, इस बात के इंतजार में परिजन अपने दिनों रात बिता रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित राजभवन के सामने एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बता दें, महिला सड़क पर तड़प रही थी। वहीं जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन 30 मिनट के बाद भी कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। स्थानीय महिलाओं ने साड़ी का घेरा बनाया और सड़क पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं मामले की सूचना पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता के साथ अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित महिला से मुलाकात की। उन्होंने कहा, 4.5 माह का गर्भ था,
प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है। एम्बुलेंस आने में देरी होने पर जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डिप्टी सीएम राजेश पाठक पीड़ित पिता को लेकर बैकुंठ धाम गए। यहां भ्रूण शव को दफनाया गया। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को आई एक महिला श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आसपास के दुकानदारों ने शव की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गई। पुलिस ने शव के पास से मोबाइल और प्रसाद बरामद किया। पुलिस ने मोबाइल के द्वारा मृतका के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर परिजनों ने शव को पहचान की। मृतका के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव को ले जाने की बात कही है, जिस पर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ, जहां राजस्थान से गोरखपुर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। वहीं कार सवार एक महिला, दो बच्चों सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां यूपीडा कर्मियों ने सभी घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती, जहां घायलों को गंभीर हालत के चलते ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। हम लोग सर वहाँ गए थे, बाला सर, बालाजी, साला सर बालाजी और खाटू श्याम होते हुए वृंदावन में थे। कल वृंदावन से निकले हैं सर, आज सुबह आते वक्त जो है तकरीबन जो हम लोग 250 किलोमीटर चले थे आगरा एक्सप्रेस वे पर, वहीं जो है गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हुई सर, उसके बाद पलट गई। जी, सब परिवार के हैं, केवल मैं दोस्त था और एक ही ड्राइवर साहब हैं। अच्छा, कुल मिला के 5 लोग और 2 बच्चे सर, 7 लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।